बहुत स्पेशल चीज है, फाइनली आ गए जापान। ये मक्खन है बहुत प्यार वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो वेलकम मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कर दिया था, बट आज जो है बहुत स्पेशल चीज है, आज है बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसे तो आप थंबनेल देखकर तो पहचान ही जाओगे। और तो हमारे मम्मी जी पापा जी आ रखे हैं, मतलब मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आ रखे हैं इंडिया से। और अभी हम भैया के यहाँ जा रहे हैं बिकॉज भैया उनको पिक करने गए थे। हमारा तो आज इनका ऑफिस था तो गए नहीं ये पिक करने। भैया पिक करने गए थे और फिर वो भैया के घर पे हैं तो उनसे मिलने जा रहे हैं हम। यू रेडी? यस ऑफ कोर्स। तो हम जा रहे हैं अपने माताजी और पिताजी से मिलने जो कि आए हैं भारत देश से। भारत से आ रखे हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलेंगे और अच्छी अच्छी मिठाई भी खाएंगे। चलो फिर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो आज मिलवाते हैं आपसे, आप कभी मिले नहीं हो ना, तो आज हमारी YouTube फैमिली भी मिलेगी। आज हमारी फैमिली और फैमिली मिलेगी। वाह, दो फैमिली मिलेगी और एक फैमिली देख रही है आज। आपको पता है ना मैं सुबह उठी थी। बहुत है। मैंने कल रचना को चैलेंज दिया था कि तुम सुबह उठ सकती हो इतनी जल्दी, कि तुम दिल्ली बोले इंसान 7-8 बजे तक उठता है ना, सूरज उगने से पहले 4:30 बजे जो चैलेंज चल रहा है आजकल 75 डेज चैलेंज वगैरह, तो इतना तो नहीं, पर हाँ चलो आज उठ के दिखाया। कल उठोगे मेरे साथ? नहीं उठते हैं। मैंने बहुत, मैंने आज तो 7 या 8 बजे उठाने की कोशिश, नहीं उठे, 9 बजे उठे। नहीं 9:50 पे, ताकि 10 मिनट पहले। हाँ थोड़ा सा, बट वही तो चलते हैं, अभी टाइम हो गया है, 8 बजने वाले, निकलते हैं फिर टाइम से पहुंचते हैं और वो भी वेट कर रहे होंगे हमारा। चलो फिर सरप्राइज आपको देते हैं, चलो रेडी, बाय बाय। शांति हो रखी है भाई यहाँ तो, बहुत ही शांति। पहले अपने रूम पर के लिए सामान रख देते नीचे, सामान रख दे, सामान देते अब चलते हैं, देखते हैं। मौशी मौशी वॉश कर लेते हैं बच्चों, अनिका से मिलने के लिए हैंड वॉश करना पड़ता है। अनिका तो कुछ और वॉश कर रही है। अच्छा पॉटी साफ कर रही है। ब्रश तुम भी हो जाओ। वो बाइक में थोड़ी मिट्टी नहीं होती, फिर भी मिट्टी लगती है, मतलब जापान में मिट्टी नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है थोड़ा साफ होना चाहिए। ओ सब बैठे हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फाइनली फाइनली आ गए जापान इतने लंबे सफर से। कितने महीने बाद मिल रहे हो? कितने महीने बाद हम मिले थे लास्ट फरवरी में, जब हमारी शादी करवाई थी। हाँ, जब शादी थी 6 महीने बाद, पट 6 महीने बाद मिल रहे हैं। पट 6 महीने होने वाले हैं 14 तारीख का। आपको तो नींद वो आ रहा होगा, जेट लैग हो रखा होगा ना, आपकी टाइम बिगड़ रखा होगा सोने का। नहीं नहीं, आप सोकर आए उस पे प्लेन में? प्लेन में आपको तो बढ़िया सीट मिली इस बारी, आपको मिले पर बैठे बैठे ऐसे मुझे नहीं नींद। अच्छा लेकिन बोल रहे थे आप तो लेटते हुए आए 3 सीट में है? आप बता रहे थे 3 सीट में लेट कर आए किसी और से। कहाँ जा रहे हो? अंधेरा हो रहा है बाहर, बाहर तो अंधेरा हो गया है। थैंक यू, मैं पानी चाहती थी वैसे, थैंक यू। आज बताइए क्या बात, जब भाई आए थे ना तो पापा ने बोल दिया था पहले कि हमें मिक्स पानी देना, मतलब तो वो मिक्स करके जो तुमने पानी बना के दिया था वो मैंने पानी दे दिया भाई को, तो भाई कहता क्या तुम्हारी मशीन में सबसे ज्यादा ठंडा पानी इतना ही आता है? अच्छा ये लो पानी पी जाओ, पानी पियो। नहीं मैंने तो अभी पिया। अच्छा पानी पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, पियो पियो। आपने कुछ खाया अभी? केक। केक खाया? मैं ठंडा पानी नहीं पीती। तो फेंक दो। चलो इंडिया से आके आपको कैसा लग रहा है? आपको थोड़ा अलग लग रहा है हवा पानी अभी तो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गाना तो तब से बिल्कुल भी ऐसा लग रही क्योंकि नहीं पहचानती, क्योंकि क्योंकि अनिका रोज फोन में बात करती है ना, इसलिए पहचान गई। रोई भी नहीं होगी वो तो आपसे मिल गए। पिछले साल भी तो आप आए थे तो पहले उसकी दिल में तो पहचान है ही आपकी। हाँ अभी से मतलब किस चीज का कुछ खाया नहीं ना, तो मैं बनाऊँ रोटी? नहीं गोल गोल रोटी मैं बनाती हूँ रोटी, कोई नहीं आप बैठ जाओ मैं बनाता हूँ। अरे मेरे को आती है बनानी रोटी, रोटी
सबके ही बना देते ना है सब्जी का करेला। अच्छा आप बना के लाए थे जो करेला बताओ मम्मी जी घर से करेले बना के लाई थी क्योंकि मैंने एक बार बोला करेले बहुत टेस्टी लगते हैं और वो ना करेले ही लेकर आ गई पैक करके किसको खुल गैस यही है ना ये है ना नहीं ये खोलना ना क्या इसमें अच्छा पन्नी के ऊपर आपने टेप मार दी लाओ मैं खोलता इसको मक्खन नहीं मक्खन नहीं है इसमें करेले हैं कुछ सरप्राइज है इसमें नहीं ऊपर ही आ गया वो इसको जल्दी से फटाक से लाएगा ये क्या है ये मिर्च का लहसुन का अचार भी है अच्छा देखो बहुत टेस्ट खा लिया हमने हमने तो खाया भी नहीं है ये व्लॉगिंग वाली एक्टिंग कर रही है हम अब जो देख रहे हैं उनके सबके मुंह पे ना पानी आ रहा होगा कि मिर्ची का अचार हमें भी चाहिए ये करेले का मसाला भी है क्या लाए करेले का मसाला भी है लहसुन अचार तो बहुत टेस्टी होता है अरे वाह ये तो आपने घर पे बनाया लग रहा है सुनने में आया इंडिया में से आप मक्खन भी आया गया मक्खन भी आया खाए मक्खन मक्खन रखा होगा फ्रिज में चेक कर है मक्खन भी लाया मक्खन मक्खन ऐसे ऐसे डेयरी प्रोडक्ट ना और मैं बना रही रोटी क्योंकि ओ रोटी फूल गई क्या बात है ये देखो मतलब भूख लगी क्यों रोटी नहीं फूली नहीं मतलब आटा मैश करता अब मैंने चिंटा लगा दिया मक्खन ये बड़े वाले डब्बे में है क्या मैं अरे ये मैं नहीं वो नहीं तो ये और ये वाह घर का बना हुआ ये तो ऐसा लग रहा है कि हम ना इंडिया आ चुके हैं ऐसे ना रहे ये देखिए ये मैंने अपने हाथ से मक्खन बनाया है बहुत प्यार से अच्छा इस मक्खन को एक चम्मच में लगा के दोगी मम्मी पापा जी से मिलवा हमने पापा जी नमस्ते कैसे हो नमस्ते आप हमारी फैमिली हमें जापान में आते हुए बहुत अच्छा लगा और हमारी एक दूसरी फैमिली जो आपको कैमरे पे देख रही है इनको आप नमस्कार बोल दीजिए नमस्कार जी ए, मैं ये रहा इधर तो दो कोनिचीवा 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 जापानीज़ में बोल रहे पापा जी कोनिचीवा थैंक यू अच्छा आपको याद है अभी तक पिछले साल के दो चार वर्ड आपने सीखे थे बोल रही थी वो जो वहाँ बैठा था कस्टम वाला अच्छा उससे क्या बात करते आप उसने कुछ देख कर वो मेरा ये बोली अरी काट कर जमा चम्मच इसमें होगी ना हाँ ये भी अच्छा नहीं आपने जो वो है ना ड्यूटी फ्री से जो आपने आइटम लिए थे सामान लिए थे उसमें आपने पर्ची में भर दिया था वो मैंने पर्ची में भर दी थी तो मगर ये बंदे लड़के वो आठ में थे तो वो बोला ड्यूटी फ्री मगर हाँ मुझसे दिखाया मगर ये है तो और ये मगा इसको टिक कर रखा था उसको कट कराया अच्छा और जहाँ नो नो था उनको तो मेरे ख्याल से जो आपने वो होगा ओवर लिमिट से अगर जो ला रहे हैं उनके लिए होगा वो टिक करने का हाँ हाँ जी ड्यूटी फ्री भी मेरा बच्चा खा रहा है गर्मी हाथ हाथ देखो हाथ हाथ तो चलते नहीं गोविंद ने ओ इसे पाल देगा कितनी खुशी बाय बाय डिनर खा के हम हो जाएगा और देखो भाभी परसों की तैयारी हो चुकी है और देखो कितना सुंदर है 1 2 3 ये ये अनिका के बर्थडे का पोस्टर तैयार कर चुके हैं और ये लेकर आए मम्मी जी पापा जी और कितनी सुंदर और इसको देखो कितनी एक्साइटेड है अंशु इसको तो अभी चाहिए सब कुछ और भाभी पूरी तैयारी कर रही है देखो सारे सनफ्लावर्स लगा दिए और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है परसों और उसके लिए अभी से सारी शॉपिंग कर ली और थीम जो है ना
वो तो आपको पता ही चल गया होगा सनफ्लावर थीम है, और उसकी सारी चीज़ें ले आए, इवन उसके बैकग्राउंड कैसा होगा, टेबल्स में कैसे कवर लगेंगे और सारी बलून्स कैसे लगेंगे, सारी ना तैयारी ना भाभी ने पहले ही एडवांस में कर दी है और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और बेस्ट बर्थडे होगा क्योंकि ये अंशी का ना फर्स्ट बर्थडे है और हम उसी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और मम्मी जी पापा जी तो आपने देख लिए हैं, इंडिया तो आ ही चुके हैं, आप एक्साइटेड हो? बहुत बहुत भाभी, आर यू एक्साइटेड? बहुत बहुत। ये देखो भाभी तो पूरी सेम कॉपी करा है, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा। अंशू आर यू एक्साइटेड? और ये अनिका की ड्रेस आप तो बिल्कुल देखना मत भूलना, इतना अच्छा मतलब अरेंजमेंट करा है ना, इतना सुंदर, और वहाँ ना प्रॉपर मस्ती करने वाले हैं। तो फर्स्ट बर्थडे है और बहुत एक्साइटेड है, वो ज़रूर आपको दिखाएंगे ऑफ कोर्स। और अभी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं बिकॉज परसों है बर्थडे पार्टी, तो उसकी कुछ कुछ तैयारी जो रह चुकी है वो भाभी भी दिखा रही है कैसे क्या करना है, और आपको भी दिखाते हैं। अनिका आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ, तुम्हारी हार्ट बीट चेक करती हूँ। नहीं आ रही, इधर दिल का है। पापा पानी साथ मोहित जो नाम देते टाइट करो ना, हाथ प्रेशर करो। और ये देखो कहाँ क्या कर रहे होंगे मम्मी और रचना ना। नमस्ते, क्या कर रहे हो? ये देखो ये देखा ये क्या? नमस्ते मेरे, अरे वाह, परसों ही वो हुई और आज आ गए दो दो, देखो क्या बात है। नमस्ते, कैमरे में तो दिखेगी नहीं बट हाँ देख नहीं रही, आप देखो कितनी सुंदर है। हाँ मतलब छोटी सी प्यारी, और ये भी है। ओ वाओ नाइस, ये क्या चुनरी? चुन्नी सूट, और फर्स्ट करवा चौथ में हम के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रखी है माताश्री, माताश्री फ्लाइट में हमारे पूरी तैयारी के साथ आ रखी है। ये सीखे अच्छा, अभी पहन लो, अभी पहन ले सर। और देखो ये भी आया है, बहुत था मन इडली 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 इडली, मैंने आज तक नहीं बनाई है इडली, बट मम्मी जी ये लेकर आएगी क्योंकि मम्मी जी को आती है इडली बनानी। और यहाँ पर और ये देखो, वाओ आज तो मेरे बल्ले बल्ले है यार, आज तो सब कुछ लेकर आए। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? लग रहे थे लग रहे थे धीरे धीरे। अरे वाह चूड़िया, मुझे चूड़ी पहनना बहुत पसंद है, कांच ही है क्या? आएंगे आराम से एक एक करके। ओ ये देखो करवा चौथ की है, मैंने तो भी पहन ली, कोई नहीं आधी। ओ अच्छा इसका बॉक्स भी है, ये वाला, ये इडली और इसमें लड्डू, इडली के अंदर लड्डू, बेसन के लड्डू घर के बने हुए ना। ये देखिए ये क्या आया है, बाल मिठाई, बाल मिठाई उत्तराखंड की बहुत ज्यादा बाल मिठाई, फेमस बाल मिठाई आई है जो कि ऑर्डर पे बनानी पड़ती है दिल्ली में। मार्शल ने ऑर्डर दिया था स्पेशली, मार्शल ने बोला था कि मतलब मेरे भाई ने बोला था कि बाल मिठाई के लिए दिल्ली में ना एक कोई है वो फ्रेश बाल मिठाई बनाते हैं, तो उन्होंने उससे बनवाई है, तो इसलिए जापान में हम फ्रेश फ्रेश खाएंगे। हाँ, और ये अभी एक दो दिन पहले बनी है। तो तुम तो वैसे भी डाइट पे हो ना, तुम तो मत खाना अभी, एक हफ्ते के लिए मेरे को डाइट से हटना पड़ेगा, बाल मिठाई जब तक खत्म नहीं होती। बिल्कुल, चलो देखो कोई तो आज इंटरव्यू देने जा रहा है ना, अच्छा लग रहा है कलर, कौन सा अच्छा लग रहा है और क्या लग रहा है, और सारे कपड़े ना बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही फिट है। दिखाओ इधर से, दिखाओ, ओ हाँ ये तो इनके लिए तुक्का लग गया, अच्छा लग रहा है ना, ये मेरा आ जाएगी। चलो ये लोग पापा जी खुद ही लाए, खुद ही पहन ली, नीचे कटवानी पड़ेगी, और ये नहीं मार तो चलती है इंडिया में, तो नहीं पर इसे ऊपर ठीक है अच्छे, गप्पे शप्पे मार के आप सोने की तैयारी करते हैं, बिकॉज मैं तो आज बहुत जल्दी उठ गई थी और मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, बिकॉज अब तो फैमिली आ चुकी है और आपको तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और हमारा हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ देखते रहिए, बाय।